तो गाइस फैन ऑफ रेसलिंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो क्या है जेफ हार्डी की हालत मैच के बाद, इसके अलावा क्या सच में मैट हार्डी हो चुके हैं रिटायर? तो गाइस आज की वीडियो की ये थी हेडलाइन। अगर आप ये सब डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेफ हार्डी के रिलेटेड। आज हेल इन अ सेल मैच कंप्लीट हो चुका है जिसमें जेफ हार्डी और रैंडी ऑर्टन का एक ब्रूटल हेल इन अ सेल मैच हमें देखने को मिला। दोनों तरफ से मैच में काफ़ी डिस्ट्रक्शन था और जेफ हार्डी की तरफ से तो कुछ ज़्यादा ही था। एंड में वो टेबल पर गिरे थे और रैंडी ऑर्टन टेबल से हट गए थे, तो उस वजह से उनको काफ़ी इंजरी थी और इसी का फ़ायदा उठा के रैंडी ऑर्टन ने उन्हें पिन करके मैच में जीत हासिल करी। तो अब उस पर रिपोर्ट्स आ गई हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली रिपोर्ट किया है कि जेफ हार्डी को खून की उल्टियां हुई हैं हॉस्पिटल में और वो आज पूरी रात हॉस्पिटल में ही रहेंगे। इसके अलावा जेफ हार्डी के भाई मैट हार्डी के र्यूमर्स आ रहे थे कि वो रिटायर हो रहे हैं। अब मैं आपको इन सब की सच्चाई बता दूँ तो गाइस सच्चाई ये है इन सब चीज़ों की कि मैट हार्डी सच्ची में हो चुके हैं रिटायर। जी हाँ, मैट हार्डी ने सैटरडे नाइट हुए लाइव इवेंट के WWE में उस मैच के बाद ही घोषणा कर दी थी कि अब मैं रेसलिंग और ज़्यादा नहीं करूँगा और मैं इससे रिटायरमेंट ले रहा हूँ। इसका एक सीधे साधा प्रूफ मैं दे दूँ आपको, उनके गूगल ऑफिशियल विकिपीडिया पे वो रिटायर हो चुके हैं और डेट भी दे रखी है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और वो अब WWE में एज अ बैक स्टेज प्रोड्यूसर काम करेंगे। तो बस गाइस आज की वीडियो यही दो अपडेट्स के बारे में थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।